नमस्कार। 2019 का वर्ल्ड कप चल रहा है और भारत और पाकिस्तान का पहला मुकाबला होने जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला होता है तो हॉट स्टार एक एड प्रोड्यूस करता है जिसको हम मौका मौका के एड के नाम से जानते हैं। इसके रिस्पॉन्स में भी पाकिस्तान एक एड रिलीज करता है। दोनों देश अपने अपने एड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम सिर्फ एज अ एड ही देखते हैं, लेकिन हॉट स्टार के इस एड को हमारे एक इंडियन मीडिया के चैनल ने इतने सीरियसली ले लिया कि इतनी बुराई कर डाली उस वीडियो में। अगर आप उसके वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि वो इंडियन मीडिया का चैनल नहीं, शायद वो पाकिस्तान मीडिया का चैनल है। तो कौन सा है वो चैनल और उस वीडियो में ऐसी कौन सी बातें कह दी जिसको शायद देखकर आपको बहुत बुरा लगेगा, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लोगों के सामने इंडिया पाकिस्तान के मैच से ठीक एक हफ्ता पहले ये बात परोसी जाने लगी है, इंडिया पाकिस्तान का बाप है। किसी का बाप होना क्या होता है, ये बड़ी मजेदार चीज होती है। किसी से ये कहना कि तुम अभी बच्चे हो और ये कहना कि मैं तुम्हारा बाप हूं, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बाप के मामले में असल में एक मां भी होती है जिसके साथ सेक्स करने के बाद ही बच्चा पैदा होता है। हाँ, हमारी किताबों में खीर खाकर भी बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन उस पर बात फिर करेंगे। देखिए, YouTube पर एक चैनल है द लल्लनटॉप के नाम का, शायद आपने उसको सब्सक्राइब भी किया होगा क्योंकि उसके करीब 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो मुझे लगता है जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कई लोग उसके सब्सक्राइबर भी होंगे और शायद उन लोगों ने उस वीडियो को भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए। और मैं आपसे कहूंगा नहीं, लेकिन फिर भी पूरी गारंटी ले सकता हूं कि आप उस वीडियो को डिसलाइक करे बिना वापस नहीं आएंगे। आप उस वीडियो में कमेंट जरूर डालेंगे, आप शायद उस वीडियो को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में उस एंकर का इतना अग्रेशन दिख रहा है हमारे भारतीय मौका मौका एड को लेकर कि कहीं ना कहीं आपको वो बहुत बुरा लगेगा। अब बात करते हैं कि एंकर ने उस वीडियो में क्या कहा। देखिए, लल्लनटॉप के उस एंकर ने उस मौका मौका ऐड को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय फैंस को बहुत खरी खरी सुना दी और हॉट स्टार को बहुत खरी खरी सुना दी। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक बार एक सेकंड के लिए यह लगेगा कि लल्लनटॉप भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तान का चैनल है। जी हाँ, और एक और बात इस वीडियो में कही गई लल्लनटॉप के उस एंकर द्वारा। लल्लनटॉप के उस एंकर द्वारा एक सेंटेंस का यूज किया गया कि वैसे तो हमारे भारतीय किताबों में लिखा है कि महिलाएं खीर खाकर भी प्रेग्नेंट हो गई। मैं आपको बता दूं कि खीर खाने वाली कहानी हमारे रामायण काल से जुड़ी हुई एक कहानी है जिसको शायद हम लोग किताबों में या फिर रामायण में पढ़ते हैं। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी तो सबसे पहले मैं आपको वो कहानी सुना देता हूं, फिर बताता हूं कि कैसे लल्लनटॉप के उस एंकर ने हिंदू रीति रिवाज का मजाक उड़ाने की कोशिश की। देखिए, यह कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। इस कहानी में राजा दशरथ की तीन पत्नियां थीं और तीनों पत्नियां नी संतान थी। तो राजा दशरथ के गुरु जो थे, गुरु वशिष्ठ जी, उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि एक यज्ञ कीजिए, शायद यज्ञ करने से भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भारतीय किसी समस्या में पड़ता है तो भगवान के पास वो जरूर जाता है। तो राजा दशरथ ने भी वही किया, राजा दशरथ ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में प्रसाद के द्वारा एक खीर बांटी गई। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि यह खीर आप अपनी पत्नी को खिला दीजिए, शायद भगवान जी की कृपा हो जाएगी और शायद आपके घर में कोई खुशखबरी आ जाएगी। तो राजा दशरथ ने वही किया कि अपनी तीनों पत्नियों को खीर खिलाई। यह पूरी कहानी अपने आप रामायण में पढ़ सकते हैं, आप गूगल पर भी देख सकते हैं। और इसी कहानी को रेफर करते हुए लल्लनटॉप ने कहीं ना कहीं हिंदू रीति रिवाज की मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। देख, एक तरफ लल्लनटॉप हॉट स्टार को एडवाइस दे रहा है कि आप जो कर रहे हैं, जो ऐसे ऐड बना रहे हैं वो बिल्कुल ऐड बेकार हैं, वो लोगों पर गलत इंप्रेशन डालते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी वीडियो में लल्लनटॉप का वो एंकर हिंदू रीति रिवाज का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी वीडियो में इसका दोहरापन नजर आ रहा है, क्योंकि जो बात आप दूसरों के लिए रेफर कर रहे हैं आप खुद पर इंप्लीमेंट कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, आप भी हिंदू रीति रिवाज का मजाक उड़ा रहे हैं, आप भी लोगों पर गलत इंप्रेशन डाल रहे हैं ऐसी बातें बोलकर। मैं पहले भी कई बार लल्लनटॉप को उसकी रिपोर्टिंग के लिए एक्सपोज कर चुका हूं कि कैसे वो दोहरेपंथी वाली रिपोर्टिंग करते हैं, कैसे वो दोहरेपंथी वाला एक मीडिया चैनल है। अगर आपको मेरे वो पुराने वीडियोस देखने हैं तो ऊपर मैं आई आइकन में उसके लिंक दे रहा हूं, आप जाइए और देखिए। और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि लल्लनटॉप ने जो मौका मौका ऐड को लेकर जो वीडियो रिलीज किया है कहीं ना कहीं वो बहुत गलत इंप्रेशन डालता है? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में लल्लनटॉप दोहरेपंथी की पत्रकारिता करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यही बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।